नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच तिवारी सागर तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया, बहुत बोला कि भाई आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, तो उसका रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आ गया हूं फिर से उसी लोकेशन पे जिसको आप लोगों ने मुझे जाने के लिए कहा, हॉन्टेड स्कूल, जहां पे आपने बहुत सारे ऑब्स देखे थे, काफी लोगों को स्पिरिट्स फील हुई, उनकी प्रेजेंस लगी और बहुत सारे ऐसे साइंस थे जिससे पता चला कि यहाँ पे वाकई वो लोग थे, वो बच्चे थे, जिससे काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई मुझे और उनका सामना भी मैंने किया, वो मैं आपको बताता हूँ। और आप सभी को बता देता हूँ, मैं दो बार यहाँ पे आ चुका हूँ, बार बार डेली बहुत दूर गाने बजते हैं, शायद लास्ट वाली वीडियो भी मैंने आपको बताया था, तो मैं इस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पहले भी मैंने ऐसे ही शूट किया था। तो चलिए चलते हैं इस तरफ और बताऊंगा कि क्या है यहाँ की कहानी, क्या हुआ मेरे साथ और किस लिए वापस मैं यहाँ पे आया, आपके कहने पे भी आया और मुझे किसी ने बोला आने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या कारण है मेरा यहाँ पे आने का। और आपको बता देता हूँ कि जब से यहाँ पे आया हूँ ना, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, शायद मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ, और जिन लोगों ने ये मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले वो जाके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों आया हूँ इतने टाइम बाद दोबारा से इस लोकेशन पे और बहुत टाइम बाद मैंने ये वीडियो क्यों शूट करी है। तो चलिए आइए, ये चारों तरफ आप देख ही रहे होंगे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, काफी तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और सामने कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए बिल्कुल, और ये एक इस तरफ नीचे की तरफ देखिए, पहले आपको देख के पता चल गया होगा कि कैसी लोकेशन है ये। आइए पहले अंदर चलते हैं, तो देखिए ये है एक स्कूल जहां पे काफी सारी बच्चों की प्रेजेंस है, उनकी स्पिरिट्स की, यहाँ के आसपास के बच्चों को जो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है आज भी, और ऐसा है भी, कि यहाँ पे उनको बच्चों की आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, या कईयों को ऐसा फील होता है कि यहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने लास्ट वाली इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे दोबारा हूं। बता देता हूँ, ये एक स्कूल है, एक आपको पता है कि विलेजों में कैसे स्कूल्स होते हैं, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, और ये सामने एक ब्लैक बोर्ड है, इससे देख के तो आपको पता चल चुका होगा कि ये एक स्कूल है, और ये एक बोर्ड है, ये भी एक ब्लैक बोर्ड है, मैंने ये अपना बैग टांगा हुआ है, इसमें सामान था मेरा सारा। आप सभी को बता देता हूं, जिस दिन से मैं यहां पे वीडियो शूट करके गया हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने वीडियोस तो बनाई थी, वो मैंने डाल दी, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन खास नहीं करी, मैं किसी हॉन्टेड ऑफिशियल लोकेशन पे नहीं गया। उसका कारण ये था कि उस दिन से मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, मेरा अराउंड 7 से 8 लाख रुपीज का नुकसान हो चुका। मैं गाड़ी कहीं भी लेके जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो रही है, मैं ठीक करा रहा हूँ फिर मेरी गाड़ी खराब हो रही है, मेरा लैपटॉप नया मैंने लिया था जो एप्पल का मैक प्रो, वो भी टूट गया, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। तो मैं किसी पंडित पे गया, किसी बाबा पे गया, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब अगर आपको कभी जाना हो तो जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगा, आप जाके पूछ सकते हैं उनसे बहुत सारी चीजें जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीजें वाकई होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक ऐसी जगह गए थे जहां पे आपके साथ साथ कुछ स्पिरिट्स आ गई हैं पीछे, और वो आपको परेशान कर रही हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो आपको उनसे जाके माफी मांगने पड़ेगी, और कुछ अगर उनसे आपको बोलना है तो बोलिए, और वो ये बोलिए कि आप मेरे पीछे मत आओ, मुझे परेशान मत करो। तो ये है कहानी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा काफी लोगों को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन मेरा
बनता है, मैं अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने सोचा उनको जरूर ये बताऊं कि मेरे साथ क्या चल रहा है। प्लीज चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, मैंने काफी टाइम से वीडियो शूट भी नहीं करी, तो प्लीज इसे शेयर करना वीडियो को। तो चलिए आपको कहानी बता देता हूँ, जिन लोगों ने कहानी नहीं सुनी इसकी और पहले वाले पार्ट में आपने देख ही लिया होगा, तो आपको बता देता हूँ। इस तरफ आइए और प्लीज इस गाने को अवॉइड करना, यहाँ पे 4-4 किलोमीटर दूर से आवाजें आती हैं, अब क्या कर सकते हैं। देखिए ये सामने ब्लैक बोर्ड है जो, और ये ऊपर एक पूरा टीन से बना हुआ था, ऐसे ही ये क्लास चल रही थी। आपको बता देता हूँ कि वो गिर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे बच्चे थे, मैंने आपको बताया अभी। तो अंदर आइए, काफी ज्यादा शोर आ रहा है, वहां पे बात करते हैं। ये भी एक दूसरा रूम है, देखिए यहाँ पे पानी आ गया और अलग अलग निशान भी है, देखिए इस तरफ, ये देखिए निशान कुछ अलग से बने हुए, देखिए ये देखिए। आपको बता देता हूं कि उन बच्चों के इंसिडेंट के बाद ये स्कूल बंद हो गया, यहाँ पे पढ़ाई बंद हो गई। बच्चों को ऐसा लगता था जो यहाँ पे पढ़ते थे काफ़ी डिस्टर्ब होते थे, उनको कुछ ना कुछ दिखता था, घर जाके वो परेशान होते थे, रोते थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी। फर्स्ट पार्ट देखना आपको पता चल जाएगा। आइए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने कहाँ इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, देखो यहाँ पे भी पानी गिरा हुआ है, इस तरफ भी, तो यहाँ पे भी पानी गिरा हुआ है, आप देखिए पूरी तरफ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी थी और मैं यहाँ पे बैठा था, काफ़ी लोगों को ऑब्स यहाँ पे नज़र आ रहे थे क्लियर, लोगों को लग रहा था कि कोई ना कोई स्पिरिट यहाँ पे घूम रही है, और मैंने इन्वेस्टिगेशन यहाँ करी थी, वही नेचुरल इन्वेस्टिगेशन जो कि करते हैं। और आज मैं फिर से वही इन्वेस्टिगेशन करूँगा, क्योंकि मुझे वो सबसे बेस्ट लगा, सबसे सही तरीका लगा। और EMF तो मैं लेके आया ही हूं, खैर ये रहा EMF। तो आज हम एक काम करते हैं, उस तरफ बैठ नहीं पाएंगे, आज हम इस तरफ बैठते हैं, अगर और कोई चीज दोबारा यहाँ पे दिखती है तो वो ज्यादा क्लियर आएगी। और प्लीज गाने को अवॉइड करना जो इसमें बार बार आ रहा होगा। तो यहाँ पे गेट को बंद कर देते हैं इस तरफ, काफी लोगों ने बार बार बोला कि यार आप जो बलून हिल रहा था वो इसलिए हिल रहा था कि यहां से हवा पास हो रही होगी। देखिए इस तरफ, यार बलून नीचे की तरफ था, इधर 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 इस तरफ नीचे करिए, यहां पे था बलून और मैं उधर बैठा हुआ था, और जो डिस्टेंस था शूट होने का वो यहां था। तो काफी लोग कुछ बातें बोलते हैं, तो प्लीज अपना दिमाग यूज करिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक बार ऐसा काम करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या होता है, कितना मुश्किल होता है एक हॉन्टेड वीडियो शूट करना। आपको पता है इस वीडियो की वजह से मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा हूँ, और मैंने पूजा भी करी, मैं मंदिर भी गया, और मैंने फिर फाइनली पूछा जिनसे, उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ पर दोबारा जाइए, आपको शायद वही स्पिरिट्स परेशान कर रही हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं यार, मैं आपसे क्या बोलूँ, बस मैं ये चाहता हूँ आप सपोर्ट करना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे पहले ही बता देता हूँ, फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव स्टोरी डालता रहता हूँ। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चलते हैं इस तरफ। और लास्ट टाइम मैं बैठा था यहाँ पे, तो आज इस तरफ बैठते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, और फिर से वही करते हैं जो लास्ट टाइम किया था। एक बार मैं इस बलून को फुला लेता हूं, एक बार पास आइए मेरे,
डिस्टेंस दिखाइए कि आप कितनी दूर हैं। और अब यहाँ पे कोई हवा का वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पास आ जाइए, इतना भी दूर मत जाइए, क्या पता आवाज ना आए। मैं देखता हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये AMF दिख रहा है क्लियर? हाँ जी, एक सेकेंड, ये मेरी हवा से मुंह से जा रहा था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। फट गया, मेरे को डर लग गया है। एक सेकेंड दोबारा बुलाना पड़ेगा। देखिए अपने आप सिग्नल आया कोई, आपने नोटिस किया यहाँ पे कुछ सिग्नल आया अभी? जैसे मैं यहाँ पे ये बलून खुला रहा था, आप सभी ने देखा हो तो, आकाश आया है इसमें, क्लियर कैप्चर हुआ है? हाँ क्लियर कैप्चर हुआ है इसके अंदर। चलिए अभी मैं इसको इतनी जल्दी कुछ बोलूंगा नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए फिर से यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, अपने आप फिर चले गए, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आसपास आ रहा है और यहाँ से निकल के जा रहा है। चलिए अब ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ, ये मेरी हवा से हिल रहा है। अब ठीक है, क्या वो बच्चे, कुछ आवाज आ रही है, क्या वो बच्चे मुझे पहचान गए हैं? अगर वो मुझे पहचान गए हैं तो फिर से जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि इस मीटर के पास आइए या इस गुब्बारे को छू के दिखाइए। देखिए ये पहले ही, मतलब अभी जब स्टार्टिंग मैंने वीडियो करी थी ये आए थे और फिर दोबारा चले गए, मतलब यहाँ पे कोई है। ये इतनी जल्दी, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कभी मैंने कहीं किसी लोकेशन पे एक्सपीरियंस किया हो कि ऐसे कोई आया हो, कोई सिग्नल आया हो। ये देखिए प्लीज आप यहां से दूर जाइए, प्लीज दूर जाइए। अभी अभी मैं, मेरे को कुछ पूछना है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप मेरे पीछे पीछे आए हो? अगर आए हो तो इस मीटर पे सिग्नल दीजिए या इस बलून को हिला के दिखाइए। क्या आप मेरे पीछे पीछे आए हो? अच्छा आप आए हो, आप प्लीज इससे दूर जाइए। क्या आप मुझे इस बलून को हिला के दिखा सकते हैं? अगर आप मेरे पीछे पीछे आए हो तो क्या आप इस बलून को हिला के दिखा सकते हैं? इस मीटर से दूर जाइए, मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो, लेकिन अगर आप इस बलून को हिला सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेरे पीछे पीछे आए थे मेरे जाने के बाद यहां से, ये इस पे सिग्नल आ रहे हैं। देखिए पूरे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। देखिए आप AMF पे सीधा सीधा कैप्चर हो रहा है, ये देखिए प्लीज, ये देखिए देखिए प्लीज आप जाइए यहां से, आप मेरे पास मत खड़े होइए। बलून हिलाए, मतलब ये मेरे पीछे पीछे आए हैं, ये बात कंफर्म हो गई जैसा कि मुझे उन बाबा ने कहा था। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या आप मेरी उन बातों से परेशान हुए थे जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे? हां या ना, अगर हां है तो इस मीटर पे सिग्नल दीजिए या इस बलून को हिला के दिखाइए। क्या आप मेरी उन बातों से परेशान हुए थे जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? अगर ऐसा है तो मुझे, अच्छा आप मेरे से गुस्सा हैं, अच्छा मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? अगर माफ कर सकते हैं तो इस गुब्बारे को हिला के दिखाइए। मैं माफ कर सकते नहीं कह रहा, क्या आप मुझे माफ कर दोगे? अगर कर दोगे तो
तो इस गुब्बारे को हिला के दिखाइए। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे माफ कर दोगे? धन्यवाद, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरे से जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफी। और मैं जानता हूं आप परेशान हैं यहां पे, और मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या आप एक हो या काफी सारे बच्चे हो मेरे आसपास? अगर काफी सारे बच्चे हो तो मुझे सिग्नल भी दीजिए और गुब्बारे को हिला के दिखाइए, और अगर एक हो तो सिर्फ ईएमएफ पे सिग्नल देना। अगर काफी सारे बच्चे हो तो गुब्बारा भी हिला के दिखाइए और ईएमएफ पे सिग्नल देना। आप, मैं, बस 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 बस, आप इससे दूर जाइए, थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा दूर जाइए, इससे दूर जाइए आप। क्या आप मेरे सीधे हाथ पे आके बैठ सकते हैं जैसे कि आप अपनी क्लास में बैठते थे? अगर बैठ सकते हैं तो ईएमएफ पे सिग्नल दीजिए या गुब्बारा हिला के, दोनों चीजें करके दिखाइए। अगर आप मेरे साथ में आके बैठ सकते हैं तो मैं, और मुझे आप परेशान नहीं करेंगे तो ही आके बैठना, ना मेरे पीछे आएंगे तो ही यहां पे आके बैठना। अगर आप मुझे परेशान नहीं करेंगे तो ही मुझे सिग्नल देना और तभी इस गुब्बारे को हिलाना, और आप यहां पे आके बैठ सकते हैं। क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए गुब्बारा हिला है और कुछ सिग्नल्स आए हैं। क्या मैं यहां से जाऊं? आप क्या चाहते हैं मैं यहां से जाऊं? अगर चाहते हैं तो मुझे गुब्बारा हिला के दीजिए, दिखाइए। मैं ईएमएफ पे सिग्नल नहीं चाहता, मैं थोड़ी सी दूर हो जाता हूं। क्या आप चाहते हैं? मुझे फिर से गुब्बारा हिला के दिखाइए अगर आप चाहते हैं मैं यहां से जाऊं। क्या इसे आप हवा में उठा सकते हैं? क्या आप इसे हवा में उठा सकते हैं? क्या थोड़ा सा हिला सकते हैं इसे और तेज? नहीं हिलाना चाहते, बस ये चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं, मैं ज्यादा बातें ना करूं, और जो मेरे से गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। प्लीज मेरा पीछा मत करना, मैं माफी चाहता हूं, आप मेरा पीछा मत करना, मेरा पीछा मत करना, जो भी मेरे से गलती हुई मेरा पीछा मत करना। एक चीज और पूछना चाहता हूं, कि मैं यहां पे फिर से कभी आऊं आपसे बात करने? अगर आप चाहते हैं तो इसको हिला के दिखाइए गुब्बारे को। मीटर पे सिग्नल मत देना, मैं जानता हूं आप मेरे आसपास हैं। मैं आपकी शक्ति देखना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वाकई इतनी शक्ति है? मैंने तो फील कर ली, लेकिन मैं फिर से आंखों से देखना चाहता हूं, क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इस गुब्बारे को हिला सकते हैं? क्या आप चाहते हैं मैं फिर से आपसे बात करने आऊं? नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि मैं यहां पे फिर से आऊं।
ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, मेरे पीछे मत आना प्लीज, गो बैक, आप मेरे से दूर जाइए थोड़ा सा। मैं जा रहा हूं यहां से, आप प्लीज यहां से दूर जाइए। देखिए आपके सामने आप सभी ने देखा कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, क्या चीजें मेरे साथ हो रही थी। इनसे मैंने बात करी, ये मेरे पीछे पीछे आए थे, इन्होंने ऐसा कहा, इस पे रिस्पॉन्स दिया। मैं आपकी काफी बातों को इसलिए सुन रहा था और इसलिए वेट कर रहा था कि कमेंट्स देखूं कि हाँ यार, काफ़ी लोग बोलते हैं EMF ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मैं चीज़ें फील करता हूँ, मेरे को चीज़ें फील होती हैं, अगर फील होती हैं तो मैं बताता हूँ ऐसा है, नहीं होती तो भी बताता हूँ ऐसा नहीं है। ऐसे कम से कम 50-70-80 लोकेशंस होंगी जिस पे मुझे आज तक कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं 10-15 जगह ऐसी जगहों पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें फील हुई, तो मैंने आपको बताया। और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना। देखिए आज कोई सोर्स नहीं था यहाँ पे आने का, हवा का, इस तरफ देखिए एक बार, कि अब कल को कोई इसको झुटला दे तो भाई आप जो मर्जी सोचना, लेकिन मुझे माफी मांगनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, ध्यान रखना, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, बहुत सारी फेक वीडियोस मार्केट में आ रही हैं जिससे बच्चे डर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एक स्पिरिट जो कि आपके सामने इस बात को प्रूफ कर रही है कि वो मेरे साथ में है, मेरे पास में है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको डरने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं रात को 12 बजे इस वीडियो को नहीं शूट कर रहा हूँ, 11:30-11 बजे अराउंड इसे मैंने शूट किया है, क्योंकि बार बार गाने बज रहे हैं। कल भी ऐसा हुआ, परसों भी ऐसा हुआ और लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पे पता नहीं क्यों गाने बजते हैं, तो फायदा नहीं था रुकने का, काफ़ी दूर जाना है मुझे दिल्ली, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। कीप सपोर्टिंग और मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ करना जो मेरे से गलती हुई, लेकिन आप मेरा नुकसान मत करना। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं परेशान ना रहूं, बस मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं। और प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।